लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगीत गायिका मैथिली ठाकुर का आगमन भी छपरा के प्रेक्षागृह में होने जा रहा है। इसको लेकर आइए हम देखते हैं कि आखिर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जो क्या कहना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ और लोगों से, जैसे कि मैथिली ठाकुर यहाँ पे वोट को लेकर जागरूक करने के लिए आई हुई हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर क्या आम निर्वाचन चुनाव को लेकर 2024 को लेकर प्रेक्षागृह में मैथिली ठाकुर आ रही हैं, जो कि लोक गायिका हैं और वो देश विदेश में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और उनका आगमन छपरा की प्रेक्षागृह में हो रहा है। तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है हम लोगों के मन में, और हम लोग आए हैं उनको उनके गाने को सुनने के लिए। वोट को लेकर वो गाने गाएंगी और हम लोगों को जागरूक करेंगी, और हम भी चाहते हैं कि इस मतदान में सब लोग जागरूक हों। तो जैसा कि अभी अर्पिता पराशर ने भी बताया कि वोट ज़रूर करें, खासकर आप सभी मतदाताओं से पाठक की नज़र भी ये अपील करता है कि वोट ज़रूर करें। 20 तारीख को लोकसभा आम निर्वाचन का जो चुनाव होने वाला है उसमें अपनी भागीदारी सुन। चुनाव 2024 को लेकर मैथिली ठाकुर प्रेक्षागृह में आने वाली है और काफी भीड़ देखी जा रही है प्रेक्षागृह में। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे यहाँ पे। जी, आप लोग मैथिली ठाकुर जो आ रही हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आप लोग को आज? अच्छा लग रहा है। कैसे जानती हैं आप मैथिली ठाकुर को? मतलब और से बात करूं, क्या कहेंगे मैथिली ठाकुर को? बिल्कुल, आप लोग क्या बताना चाहेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में? उनका प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगता है? यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनसे हम पूछेंगे कि मैथिली ठाकुर के बारे में ये क्या जानती हैं। आलोक गायिका मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कैसी लगती है? आई हो, कैसे जानती हो उनको? मोबाइल से यूट्यूब देख के। यूट्यूब पे देखती हूँ। उनका गाना कैसा लगता है?